नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का महत्व विद्यार्थियों लगातार बढ़ता जा रहा है और आज हमारी एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो सहयोगी अधिगम पर जोर दिया जा रहा है। वो क्यों विद्यार्थियों? इसके पीछे कारण ये है कि आज हमारे भारत में समावेशी शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और समावेशी शिक्षा का मतलब है हर प्रकार के विद्यार्थी को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक CWSN जो बालक है उन बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही जगह एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने की जो योजना है हमारी समावेशी शिक्षा, उस सपने को साकार करने के लिए सहकारी अधिगम पर लगातार जोर दिया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक जब सहयोगी अधिगम के माध्यम से सामान्य बालक के साथ पढ़ेगा तो वो अपनी योग्यताओं को बहुत अच्छे तरीके से विकसित कर पाएगा, अपनी क्षमताओं को पहचान पाएगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा। इसलिए सहकारी अधिगम का बहुत बड़ा रोल है समावेशी शिक्षा में। तो क्या है सहकारी अधिगम? सहकारी अधिगम एक ऐसी अधिगम प्रणाली है जिसमें एक जैसी योग्यता के बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं। इसमें अलग अलग छोटे छोटे समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, वो होता है सहकारी अधिगम। और इस सहकारी अधिगम में जो अध्यापक होता है, कौन होता है? अध्यापक जो होता है वो दो की भूमिका निभाता है, एक योजनाकर्ता की, किसकी? योजनाकर्ता की, और एक है मूल्यांकनकर्ता की। इन दो की भूमिका अदा करता है कौन? अध्यापक। अध्यापक योजना बनाता है किन किन समूहों में बच्चों को विभाजित करना है, किस बच्चे को कौन सा टॉपिक देना है, कौन सी जिम्मेदारी सौंपनी है। बच्चा जो भी समूह बना करके कार्य कर रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति करने में सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, छात्रों के मध्य जो भी बातचीत हो रही है उस पर अध्यापक ध्यान रखता है, विद्यार्थियों में किन किन सामाजिक निपुणताओं का विकास हो रहा है, ये सब नोटिस करने का काम सहकारी अधिगम में करता है अध्यापक। तो अध्यापक केवल योजनाकर्ता और मूल्यांकनकर्ता की भूमिका अदा करता है। कौन से शिक्षण में? सहकारी अधिगम में। सहकारी अधिगम में एक जैसी योग्यता के बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आज हमारे भारत में सहकारी अधिगम का चलन क्यों हुआ? सहकारी अधिगम किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखता है और उन उद्देश्यों को प्राप्ति करने का प्रयास करता है? पहला उद्देश्य है CWSN छात्र। आप जानते हैं कक्षा में सभी प्रकार के बालक होते हैं, सक्षम बालक भी है और असक्षम बालक भी है। अगर असक्षम बालक सक्षम बालक के साथ सहकारी अधिगम करेगा तो क्या होगा? वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उनको प्राप्त हो जाएगा। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को पूरा अवसर देने का प्रयास करता है कौन सा अधिगम? सहकारी अधिगम। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को पूरा अवसर प्रदान करने का प्रयास करना ही सहकारी अधिगम का उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद आता है CWSN बालकों को उपयुक्त वातावरण। आप जानते हो विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक अपनी बात को कह नहीं पाता है, कक्षा वातावरण के साथ घुलमिल नहीं पाता है, लेकिन अगर समूह बनाकर सक्षम बालक के साथ असक्षम बालक को बिठाया जाएगा तो उसको एक उपयुक्त वातावरण मिल जाएगा और वो किसी भी कार्य को खुद करके स्वयं जिम्मेदारी लेकर के अगर वो कार्य करेगा अधिगम करेगा तो वो विद्यार्थी जल्दी लर्निंग कर लेगा।
तो क्या है, CWSN बालकों को उपयुक्त वातावरण प्रदान करना भी किसका उद्देश्य माना जाता है, सहकारी अधिगम का उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद आता है सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहित करना। आप जानते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक समाज के साथ अपना समायोजन नहीं कर पाता है। अगर उसका समाज के साथ समायोजन करवाना है तो हम करवा सकते हैं सहकारी अधिगम के माध्यम से, क्योंकि सहकारी अधिगम में वो सामान्य बालकों के साथ बैठेगा, अपनी जिम्मेदारियों को सीखेगा, सक्षम बालकों के साथ बैठकर वह ये बात सीख पाएगा कि वो सामान्य बालक से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। तो समाज के साथ समायोजन करने में भी सहकारी अधिगम का रोल होता है। तो सहकारी अधिगम सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहित करता है, अपना उत्तरदायित्व समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रदान किया जाता है। CWSN बालकों को उपयुक्त वातावरण प्रदान करना और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर सहकारी अधिगम की अवस्था में मिले, ये इसका उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद आता है सक्षम और असक्षम बालक जो कि सहकारी अधिगम कर रहे हैं उनके मध्य दोस्ताना संबंध, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना भी सहकारी अधिगम का उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद आता है निदान की निपुणताओं को विकसित करना, डायग्नोस करना। आपको पता है समूह को एक समस्या प्रदान की जाती है, उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, फिर उसको छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो छोटे टुकड़ों में बांटने से वो उस चीज को डायग्नोस कर पाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, उन समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, उन समस्याओं का संश्लेषण करते हैं। तो डायग्नोस्टिक निपुणता को विकसित किया जा सकता है किसके माध्यम से, सहकारी अधिगम के माध्यम से। देखो विद्यार्थियों, सहकारी अधिगम वाला टॉपिक आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड में भी है, BEd सेकंड ईयर में भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रीट में भी आपके सहकारी अधिगम है। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना। सहकारी अधिगम अप्लाइंग क्वेश्चन आता है और अप्लाइंग क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थियों आप तभी दे सकते हैं जब आप उसका डीप अध्ययन करते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। तो इस अर्थ को समझाने के लिए और इस सहकारी अधिगम को समझाने के लिए ही मैं यहाँ पर आज आपको ये पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा किसी भी चीज को डायग्नोस्ट करना है, ये कैपेसिटी विकसित होती है सहकारी अधिगम के माध्यम से। तो आपने सहकारी अधिगम के उद्देश्य को देखा, पहला है विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर प्रदान करना, CWSN बालकों को उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, अपना उत्तरदायित्व समझने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहित करना, सक्षम व असक्षम बालकों के मध्य दोस्ताना संबंध को विकसित करना और निदान की निपुणताओं को विकसित करना सहकारी अधिगम का उद्देश्य माना जाता है। अब बात आती है सहकारी अधिगम अगर दिया जाता है तो इसके लिए अध्यापक को किन किन दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, छात्रों को किन किन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है, ये हम दिशा निर्देशों में करते हैं। अध्यापक को सबसे पहले सहकारी अधिगम करवाने से पहले पाठ के उद्देश्य को बताना आवश्यक है। सहकारी अधिगम का अगर उद्देश्य नहीं है तो वो केवल क्या होगा, वो केवल एक खिचड़ी बन जाएगी। तो खिचड़ी से बचने के लिए सहकारी अधिगम में सबसे पहले अध्यापक को पाठ का उद्देश्य बताया जाना चाहिए कि जो पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है और समूह में बांटा जा रहा है उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बालकों को फिर समूह में बांट देना चाहिए, उनको टुकड़ों में बांट देना चाहिए, ये काम अध्यापक करेगा। और जितने समूह में बांटना चाहिए उसके आकार छोटे होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़े आकार से वार्तालाप होता है और परिणाम भी अच्छे निकल करके नहीं आते हैं। तो सहकारी अधिगम में अध्यापक को पाठ के उद्देश्य बताने चाहिए, फिर उसको समूह में बांट देना चाहिए, हर समूह के छोटे आकार किया जाना चाहिए,
हर सदस्य को उसकी भूमिका प्रदान करनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी सौंपा जाना आवश्यक है। अगर बालक को क्या नहीं सौंपी जाएगी, भूमिका नहीं सौंपी जाएगी, तो वो उसके प्रति जवाबदेही नहीं हो पाता है और वो सहकारी अधिगम में रुचि नहीं ले पाता है। सहकारी अधिगम में रुचि विकसित करने के लिए हर सदस्य की भूमिका को निर्धारित किया जाना चाहिए। फिर हर विद्यार्थी को एक ही भूमिका हर पाठ में नहीं दी जानी चाहिए, अलग अलग पाठ में उसकी भूमिका को परिवर्तित करना चाहिए, ताकि बालक में ना केवल एक निपुणता है बल्कि अनेक प्रकार की निपुणताएं हर बालक में विकसित हो सके। इसके लिए हर बालक की भूमिका को बदलते रहना चाहिए। उसके बाद आता है कार्य व सामग्री। हर विद्यार्थी को कार्य प्रदान करना चाहिए और कार्य के अनुरूप उनको उसी समय सामग्री भी प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि कार्य प्रदान नहीं किया या कार्य प्रदान कर दिया और आपने उसको सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई, तो विद्यार्थी जिस उद्देश्य को लेकर के सहकारी अधिगम कर रहा है उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। फिर है परस्पर वार्तालाप। अब बात ये आती है कि हर जो विद्यार्थी जो सीख रहा है, सहकारी अधिगम कर रहा है, वो परस्पर वार्तालाप के माध्यम से, परस्पर विचार विमर्श के माध्यम से समस्या के समाधान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वार्तालाप केवल उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, अनावश्यक वार्तालाप सहकारी अधिगम में नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत जवाबदेही, हर बालक की व्यक्तिगत जवाबदेही को सहकारी अधिगम में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, वरना सहकारी अधिगम का बेनिफिट विद्यार्थियों को प्राप्त नहीं होगा। विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना, इन दिशा निर्देशों का अगर हम पालन करते हैं तो ही सहकारी अधिगम के परिणाम अच्छे निकलते हैं, जवाबदेही निकलते हैं और लाभदायक निकलते हैं। तो अध्यापक को पाठ के उद्देश्यों को बताना चाहिए, समूह को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए, हर सदस्य की भूमिका को निर्धारित किया जाना चाहिए, कार्य व सामग्री प्रदान की जानी चाहिए, परस्पर वार्तालाप उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए और हर बालक की व्यक्तिगत जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये दिशा निर्देश है सहकारी अधिगम के। अब बात आती है कि सहकारी अधिगम के बेनिफिट्स क्या है। तो आपने उद्देश्य और इनके माध्यम से समझ ही लिया होगा कि आज हमारे भारत में कोऑपरेटिव लर्निंग पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि पता है अगर समावेशी शिक्षा प्रदान करनी है, हर प्रकार के बालक को एक ही जगह शिक्षा प्रदान करनी है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को सामान्य बालकों के समान बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, शारीरिक विकलांगता मानसिक विकलांगता वाले बालकों के मन में ये धारणा विकसित करनी है कि वह बालक भी सक्षम बालक की तरह सब कुछ कर सकता है, तो सहकारी अधिगम आवश्यक है। विद्यार्थियों, तो सहकारी अधिगम में हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जवाबदेही होती है, तो हर बालक के अंदर व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एहसास या व्यक्तिगत जिम्मेदारी का भाव विकसित होता है। ये सहकारी अधिगम का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है विद्यार्थियों कि इसमें व्यक्तिगत जवाबदेही हर बालक की होती है। बालकों को समूह में बांट दिया जाता है, हर बालक को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो व्यक्तिगत जवाबदेही का विकास जो होता है वो सहकारी लर्निंग में होता है। उसके बाद उपयुक्त व सफल परिणाम। देखो विद्यार्थियों, छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है, समूह अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, अपने जीवन की जो भी समस्या है उस समस्या को डायग्नोस्ट करता है और डायग्नोस्ट करने के बाद उसके परिणाम क्या आते हैं, उपयुक्त व सफल परिणाम आते हैं। इसके अलावा सहकारी अधिगम के माध्यम से हर विद्यार्थी ये समझ पाता है कि हर बालक अलग है, हर बालक का कौशल अलग है, हर बालक की रुचि अलग है, हर बालक का दृष्टिकोण अलग है। छात्रों में व्यक्ति भिन्नता होती है, इस बात को हर बालक समझ जाता है कि हर बालक की जब भूमिका अलग अलग है तो उसका इंटरेस्ट भी अलग अलग है। कौन सा बालक किस कार्य को अधिक निपुणता के साथ कर सकता है, इस बात को हर बालक स्वीकार कर लेता है। तो विविधताओं को स्वीकार करना और उनका आदर करने का भाव भी सहकारी अधिगम के माध्यम से विकसित हो जाता है। उसके बाद है
आपका जो बेस है सहकारी अधिगम में सीखा हुआ ज्ञान मजबूत होता है, क्योंकि सहकारी अधिगम में छात्र करके सीखता है और जितना छात्र करके सीखेगा वो ज्ञान उसका बेस बन जाएगा, वो बात या वो सीखा हुआ ज्ञान विद्यार्थी कभी भी नहीं भूलता है, वो नॉलेज उसके आगे तक काम आती है। तो ज्ञानात्मक आधार को मजबूती मिलती है किसके माध्यम से? सहकारी अधिगम के माध्यम से। तो आपने देखा सहकारी अधिगम से व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित होती है, सहकारी अधिगम से उपयुक्त व सफल परिणाम निकल करके आते हैं, विविधताओं को बालक स्वीकार करना सीख जाता है और उसका आदर करना सीख जाता है, ज्ञानात्मक आधार को मजबूती मिलती है सहकारी अधिगम के माध्यम से। तो आज हमने सहकारी अधिगम क्या है, सहकारी अधिगम के उद्देश्य क्या है, सहकारी अधिगम से के दिशा निर्देश की किन किन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, सहकारी अधिगम के लाभ कौन कौन से हैं, इनके बारे में डिस्कस किया। देखो विद्यार्थियों, सहकारी अधिगम के बेनिफिट्स हमने देखे, लेकिन ध्यान रखना अगर उद्देश्य को, जिस उद्देश्य को लेकर के अगर सहकारी अधिगम किया है, अगर उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई तो सहकारी अधिगम सफल नहीं हो पाता है। समूह जो है वो छोटे छोटे होते हैं लेकिन कई बार उद्देश्य से भटक भी जाते हैं, तो सहकारी अधिगम की अपनी एक सीमाएं हैं और हर प्रकार की लर्निंग जो है सहकारी अधिगम के माध्यम से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सहकारी अधिगम के माध्यम से पाठ्यक्रम जो निर्धारण का जो हमारा समय है वो क्या होता है, कम होता है। तो सहकारी अधिगम महंगा भी पड़ता है, समय भी ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए हर प्रकार के पाठ में हम सहकारी अधिगम का यूज़ नहीं करते, लेकिन जो अप्लाइंग चीज़ें हैं, जो जीवन में उतारी जाने वाली चीज़ें हैं, जीवन में कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं, उनको हम सहकारी अधिगम के माध्यम से शिक्षण करवा सकते हैं ताकि हम समावेशी शिक्षा को मजबूती प्रदान कर सकें। तो समावेशी शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक का नाम है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके लिए आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि आगे के अपडेट्स और आगे के वीडियोस आपको देखने को मिल सके। धन्यवाद।